नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल के न्यू मार्केट में समता चौक पर हवन पूजन और भंडारा कर 38वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देश प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की, जहाँ पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी न्यूज इंडिया की पार्टी है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज ने बीजेपी की विचारधारा, नीतियों और प्रयासों पर विश्वास करने के लिए देश की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह ने भी देश प्रदेशवासियों के लिए समृद्धि और खुशहाली की कामना की और कहा कि भाजपा और भारतीय संस्कृति के साथ देश की इसी तरह आगे बढ़ता रहे। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने कहा कि देश की राजनीतिक पार्टियों के नाम जाति या क्षेत्रवाद को ध्यान में रखकर रखे गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश का नाम देश को समर्पित है। समता चौक पे बरसों से करीब 24-25 साल हो गए यहाँ पर, या हर साल जो है 6 अप्रैल को या हवन भंडारा का आयोजन होता है, ताकि भोपाल में, प्रदेश में, देश में और सारे विश्व में सब जगह सुख और शांति हो, सबका कल्याण हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय संस्कृति दोनों जो है, आप तो नीचे कर लो, सबके सुख की कामना करती है, विश्व के कल्याण की कामना करती है, सबके सुख की कामना करती है। तो हम सब लोग भी चाहते हैं कि हमारे भोपाल में, देश में, प्रदेश में चारों तरफ सुख और शांति हो। देखिए, ये पार्टी जो शुरू हुई है उस समय कोई भी MLA MP नहीं था, 1952, यानी कि शून्य से प्रारंभ किया और आज 22 प्रांतों में उसकी सरकार और उनके सहयोगी की सरकार। भारत की सबसे बड़ी पार्टी है जिसके सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट के मेंबर हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, विधानसभा के अंदर जिनका बहुमत है उनके मुख्यमंत्री हैं, उनके राज्यपाल हैं, उनका राष्ट्रपति है, उनका लोकसभा का अध्यक्ष है। पार्टी में कितना जब बढ़ती है गंगा गंगोत्री से, तो उसका रूप बड़ा हो जाता है। तो अनोखे रूप के अंदर भारतीय जनता पार्टी का ये सफर पिछले 39 साल के अंदर हुआ। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज आज।